दुनिया की हर माँ चाहती है उसकी बेटी खुश रहे, सुरक्षित रहे, लेकिन जो मेरी शुभी के साथ हुआ है, मैं नहीं चाहती देश की किसी और बेटी के साथ वो हो। किसी और माँ को वो झेलना पड़े जो मैंने झेला है। हर वक्त मेरे मन में बस एक ही सवाल आता है, मेरी शुभी के साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरी शुभी को ये सजा क्यों मिली? मेरी शुभी को तो कभी स्कूल में भी सजा नहीं मिली थी। टीचर के हर सवाल का जवाब देती थी वो, और कभी कभी तो खुद ही टीचर बन जाती थी। नहीं पापा। क्या हुआ बेटा? पापा आपको ये नहीं पता कि गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात नहीं करनी चाहिए? वो तो है बेटा, पर बहुत अर्जेंट कॉल है, मुझे उठाना पड़ेगा। पापा अगर एक्सीडेंट हो गया तो मुझे चोट लग सकती है ना? शुभी ऐसे फालतू बातें नहीं करते बेटा। पापा शायद आपको ये नहीं पता कि गाड़ी चलाते समय फोन पे बात नहीं करनी चाहिए, इससे हमारे एक सेंस को दो दो काम करने पड़ सकते हैं, और अगर वो कंफ्यूज हो जाए तो हमारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। बेटा मेरा सेंस तो छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ इतनी छोटी सी उम्र में आपको ये सेंस कहाँ से आ रहा है? बुक से, जो मम्मा मुझे लाकर देती हैं। अगर स्कूल में मुझसे कोई पूछता है कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड कौन है, तो मैं कहती हूँ कि बुक है माय बेस्ट फ्रेंड। तो शुभी बेटा, आपके बेस्ट फ्रेंड्स ने आपको ये नहीं बताया कि जब ड्राइविंग सीट पे कोई ड्राइव कर रहा हो तो उससे बात नहीं करनी चाहिए? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। सिस्टर, बच्चे की हालत बहुत खराब है, तुरंत एडमिट कर लो। इसके माँ बाप कहाँ है? पुलिस कंप्लेंट हुई है या नहीं? इसे कैसे पता होगा कि शुभी कहाँ है? इसने अभी कहा, नहीं बताऊंगी। इसको पता है कहाँ है? ये झूठ बोल रही है रवि, तुम कहाँ इसका भरोसा कर रहे हो? अरे मैं इन नशेड़ियों को जानता हूँ बहुत अच्छे से। कल मैंने इसे पैसे नहीं दिए ना, इसलिए इसने मेरी बेटी को गायब किया ताकि पैसे लेकर नशा खरीद सके, है ना? तो तू देता क्यों नहीं है मुझे पैसे? पहले तो मुझे खुद नशे का आदी बना दिया और अब मन भर गया तो पैसे देने में आनाकानी करता है। ये ना ऐसी चीज है, इसको अंदर लेते ही सारी दुनिया आंखों के सामने झूलने लगती, बहुत मजा आता है। लो एक बार लेके देखो। नहीं नहीं, अरे मैं कह रहा हूँ ना, बहुत मजा आएगा मेरे लिए। एक बार मजा नहीं आएगा तो दोबारा मत लेना, ठीक है? हर बार मुझे नशा देके मेरे शरीर का मजा लिया और जब मन भर गया तो मेरे पास आना छोड़ दिया, लेकिन मैं तेरे दिए हुए नशे को नहीं छोड़ पा रही हूँ। देख तेरी बकवास सुनने नहीं आया यहाँ। इसे नहीं पता कि हमारी शुभी कहाँ है। मैं हाथ जोड़ती तुम्हारे, हमें पुलिस स्टेशन चलना चाहिए। चलो यहाँ से, चलो चलो। मैडम 6 साल की बच्ची है, डॉक्टर कह रहे हैं कि जहर दिया गया है, अभी इलाज चल रहा है। नाम पता कुछ पता चला? नहीं मैडम, जब मुझे मिली बेहोश थी, आसपास के लोगों को तो लग रहा था कि वो मर चुकी है। कहाँ मिली ये बच्चे? ये अंधेरी स्टेशन के पास एक फूड स्टॉल है, उसके पीछे। बेहोश है, किसने देखा इससे पहले? हम आए तो इधर ही पड़ी। वो यहीं पड़ी थी जब आप लोग आए, और आप लोग वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। बच्ची बेहोश पड़ी है, उसको हॉस्पिटल ले जाना चाहिए कि नहीं? चलो हटो। मैडम सबसे करीब तो सीधे आ गया। क्या हुआ डॉक्टर? शायद बच्ची के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। पता नहीं कैसे जानवर लोग हैं, एक छोटी सी बच्ची को भी। ये हमारा अंदाजा है, पूरी जानकारी तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी।
सर, एक 6 साल की छोटी बच्ची बेहोशी की हालत में मिली है। डॉक्टर का कहना है कि शायद उसके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। रवि, ये हम कहाँ आके रुके? ऐसे हम कहाँ कहाँ ढूंढेंगे शुभी को? प्लीज मेरी बात मानो, पुलिस स्टेशन चलते हैं ना। बहुत अकल चल रही है, जो मैं कर रहा हूँ ना वही पुलिस करेगी। चुपचाप यहीं बैठो, मैं लेके आ रहा हूँ उसको। तेरी खुंदक मुझसे है ना, ले तेरे सामने खड़ा हो, जो करना है कर ले, कि मेरी बेटी को छोड़ दे। उसने कुछ नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बेटी को छोड़ दे? तेरी बेटी गायब हो गई? वाह, वो सारी औरतें जिनका तूने इस्तेमाल करके छोड़ दिया, वो भी किसी की बेटी थी। पर जो भी हो, तुझे ऐसे छटपटाता देख करना मुझे बहुत सुकून पहुंच रहा है। देख बकवास मत कर, मुझे बस इतना बता दे मेरी बेटी कहाँ है। मुझे क्या पता तेरी बेटी कहाँ है? देख झूठ मत बोल, मैंने सुबह देखा था, जब वो बिल्डिंग में खेल रही थी ना, तू उसे घूर कर देख रही थी, तभी अंदाजा हो गया था तू कुछ गलत करने वाली है। बता दे मेरी बेटी कहाँ है। ओ अच्छा, तो तू यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहा है? जा जा पुलिस स्टेशन जा, और जाके सबको बता दे कि मैंने तेरी बेटी को गायब किया, समझा? आरती जा। आरती, डॉक्टर अगर आपको बच्ची पे सेक्सुअल असॉल्ट का डाउट है तो हमें उसे तुरंत गवर्नमेंट हॉस्पिटल शिफ्ट करना होगा मेडिकल के लिए। बच्ची की हालत पहले से बहुत नाजुक है, ऐसे में उसको यहाँ से कहीं और ले जाना बहुत ही रिस्की होगा। आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के डॉक्टर को यहाँ बुला सकते हैं। किरण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, प्लीज मेरी गलतियों की सजा मेरी बेटी को मत दो। बहुत मासूम है, उसका इस सब से कुछ लेना देना नहीं है। पागल हो गए क्या? ये सब क्या बोले जा रहे हो? कौन सी बेटी, किसकी बेटी, कैसी सजा? 5 साल से हम दोनों मिले भी नहीं है, ये सब क्या बात कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें धोखा दिया, इसलिए उसका बदला लेने के लिए तुमने मेरी बेटी को अगवा किया ना। प्लीज किरण, देखो चुपचाप यहाँ से चले जाओ, मेरे पति अंदर है, उन्हें पता लग जाएगा कि तुम यहाँ पे हो। मुझे कौन है किरण? कोई नहीं, वो कोई गलत एड्रेस पे आ गया है। देखिए आप, ये ए विंग है, आप बी विंग में चले जाइए। ओके, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ किरण, प्लीज मेरी बात सुन किरण। क्या हुआ डॉक्टर? देखिए, बच्ची के शरीर पर कुल 13 जगहों पर चोट के निशान पाए गए। इट सीम्स एज़ इफ उसे किसी ने बहुत बेरहमी से मारने की कोशिश की है। उसके लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर है, और सेक्सुअल असॉल्ट का जो हमें डाउट था वो सही था। एंड बच्ची के नाखूनों में ड्रग्स के ट्रेसेस भी पाए गए। थैंक यू। मैं डिटेल रिपोर्ट रेडी करके आपको भिजवाता हूँ। जी सर, मुझे लगता है किसी ड्रग एडिक्ट का काम है, या फिर पारिवारिक रंजिश भी हो सकती है। मतलब जिस तरह से बच्ची को टॉर्चर किया, ये सेक्सुअल असॉल्ट, और आखिर में जहर दे के मारने की कोशिश की। ये छोटी सी बच्ची के साथ मारपीट और फिर ये सब, दिमागी रूप से पागल लगता है। प्रिया, या तो ये किसी औरत का काम हो सकता है, या फिर कोई नामर्द। उस दिन हम पागलों की तरह यहाँ वहाँ वसई में अपनी बच्ची को ढूंढ रहे थे, हमें तो अंदाजा भी नहीं था कि हमारी बच्ची अंधेरी के अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रही है। वो तो भला हो उस पुलिस वाले का जो तुरंत मेरी बच्ची को अस्पताल ले गए, लेकिन मेरी बच्ची की जांच के बाद जो भयानक सच हमारे सामने आया, उसे सुनकर आज मेरी रूह कांप जाती है। क्या गुजरी होगी मेरी शुभी पर, और कैसा हैवान होगा वो इंसान जिसने एक मासूम बच्ची के साथ ऐसा घिनौना काम किया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि हम क्यों ऐसे घूम घूम कर शुभी को ढूंढ रहे हैं। तुम पुलिस की मदद क्यों नहीं लेना चाहते? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को कुछ हो। अगर हम पुलिस के पास गए तो हो सकता है वो लोग उसे जिंदा भी ना छोड़े। तो जिस किसी ने भी हमारी शुभी को किडनैप किया है, अगर तुम उससे जाकर पूछोगे तो तुम्हें पता थोड़ी ना देगा। प्लीज तुम चुप रहो। सीमा, सीमा, सीमा।
सर मेरी बच्ची, सर मेरी 6 साल की बच्ची सुबह से गायब है सर। मैं और मेरे हस्बैंड ने बहुत ढूंढा पर वो नहीं मिल रही। उसे ढूंढ लीजिए सर, प्लीज मेरी बेटी को ढूंढिए सर, प्लीज कुछ। एक मिनट शांत हो जाइए बेटी, ले लीजिए। आखिरी बार कब और कहां देखा था आपने उसे? सर बिल्डिंग के बाहर ही खेल रही थी, यही कोई सुबह के 10 बजे होंगे। और अब शाम के 6 बज रहे हैं, सुबह से क्यों नहीं आए आप लोग? सर मैं तो आना चाहता था लेकिन मेरी बीवी ने कहा कि पहले हम लोग खुद ढूंढ लेते हैं, इसलिए। कोई फिरौती का कॉल तो नहीं है आप लोगों के पास? नहीं सर, अभी तक तो कोई फोन नहीं आया। किसी पर शक? सर ऐसे तो किसी पर कोई शक नहीं, लेकिन थोड़ा पैसा हो तो दुश्मन बन ही जाते। बच्चे का फोटो है आप लोगों के पास? हाँ, मेरे फोन में। पाटिल, ये बच्चे का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में भेजो और अपने खबरी को भी अलर्ट करो, मैं फोटो भेजता हूँ तुम्हें। मैं आपको और सारी चॉकलेट्स दूंगी, चलो मेरे साथ। हाँ कल ये बच्ची मिली थी तुम्हारे फूड स्टॉल के पास, कौन लेके आया था इसको? एक औरत थी शायद इसके साथ। कितने बजे की बात होगी ये? 3 बजे होंगे शायद। उस औरत की शक्ल या हुलिया कुछ याद है? ये लीजिए मैडम, एकदम चटपटी। उस औरत ने अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध रखा था, इसलिए चेहरा तो नहीं देख पाया। प्रिया, इस एरिया का सारा सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो जरा इस औरत की मूवमेंट क्या है। सर, हेलो, होल्ड करो। सर ये तो उसी बच्ची का फोटो है। एक काम करो, वसई पुलिस से पेरेंट्स की डिटेल्स लेकर उन्हें हॉस्पिटल बुला लो। सिस्टर, मेरी बेटी है शुभी, 6 साल की है वो वसई पुलिस से। एक मिनट, आप शुभी के माँ बाप हैं? जी जी। आइए, अभी भी बेहोश है। रुकिए, आप अंदर कहाँ जा रहे हैं? डॉक्टर, वो मेरी बच्ची, क्या हुआ उसे? उसकी हालत बहुत सीरियस है, आप अंदर नहीं जा सकते। सीरियस है मतलब हुआ क्या उसे? उसके साथ मारपीट की गई है और सेक्सुअल असॉल्ट भी हुआ है। एक सवाल करूंगी, तुझे उसका सही जवाब देना होगा। बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मम्मा कहती है कि बच्चे मम्मा की टमी से पैदा होते हैं। गलत जवाब, अब समझ तू? किसने किया ये सब? उसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मुझे मेरी बच्ची से मिलने दीजिए डॉक्टर, प्लीज ना। एक बार मुझे अपनी बच्ची। ठीक है, आइए। सर सुबह की मिसिंग कंप्लेंट मिलते ही हमने जांच शुरू की थी। ये देखिए, ये वसई में रवि जादव की बिल्डिंग का सीसीटीवी फुटेज है। इसमें साफ दिख रहा है सुबह खुद किसी को देखकर बाहर आई। थोड़ा आगे जाने के बाद कोने में नीचे गिरी एक बुक को सुबह ने उठाया, तभी एक औरत आई और उसे देखे पकड़कर आगे ले गई। बिल्डिंग के वॉचमैन से पूछताछ की? जी सर, उसे कुछ मालूम नहीं। क्या ये टॉर्चर और सेक्सुअल असॉल्ट भी उसी औरत ने किया है? लेकिन सर एक औरत एक बच्ची के साथ ऐसे कैसे कर सकती है? सिकोड़े आजकल के जमाने में कुछ भी पॉसिबल है। खैर, यहाँ से आगे इस केस की जांच हम करेंगे, आप केस की फाइल भिजवा दीजिए। जी सर। आपकी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज में हमने देखा कि बच्ची सुबह 9:46 पर किसी के बाहर से आवाज लगाने पर बच्ची घर से बाहर निकली, लेकिन आप लोगों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट शाम को 6 बजे लिखवाई। इतना टाइम क्यों लगा? सर तब तक तो सर हम इसको आसपास ही ढूंढ रहे थे,
जो फुटेज में हमें दिखाई दे रहा है कि वो किसी औरत के साथ जा रही है, औरत का चेहरा छुपा हुआ है। अब इतनी छोटी बच्ची की तो किसी से कोई दुश्मनी हो नहीं सकती, तो आपकी या आपकी कभी किसी औरत से कोई रंजिश वगैरह रही हो? सर मेरा एक ड्राइविंग स्कूल है खुद का, थोड़े बहुत पैसे हैं, लेकिन हमारी किसी औरत से कोई दुश्मनी नहीं है, ना मेरी ना मेरी बीवी की। ये तो वैसे भी सारा दिन अपनी बच्ची की देखभाल में लगी रहती थी। अच्छा, जिस औरत की हम बात कर रहे हैं वो ड्रग एडिक्ट है, ये भी हमारी जांच में पता चला, क्योंकि शुभी के नाखून में ड्रग के ट्रेसेस मिले हैं। सीमा, तुम जानती हो किसी ऐसी औरत को जो ड्रग एडिक्ट है? मैं तो नहीं जानता। नहीं सर, नहीं सर, मैं भी नहीं जानती। शुभी के अपराधियों को तलाशने की जिम्मेदारी अब अंधेरी पुलिस की थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कुछ शुभी के माता पिता ही पुलिस की पूरी तरह से मदद नहीं कर रहे थे। आखिर क्यों वो अपनी बेटी के ही अपराधी को बचाने की कोशिश कर रहे थे? इस ऑटो वाले का नंबर नहीं दिख रहा है, नंबर नहीं दिख रहा, लेकिन ये इसके हाथ में गमछा लपेटा हुआ है। प्रिया जरा पता करो कौन सा ऑटो वाला ऐसे हाथ में गमछा लपेट के रिक्शा चलाता है। सर, सर मुझे ऐसा लग रहा है कि शुभी के माँ बाप कुछ छुपा रहे हैं। हाँ, मतलब अपने ही बच्चे के साथ इतना बुरा करने वाले को अगर वो लोग बचा रहे हैं तो क्यों? और प्रिया, अगर वो औरत ड्रग एडिक्ट है तो एरिया का कोई ना कोई ड्रग डीलर उसे जानता होगा, जरा पता लगाओ। मेरी बेटी को हाथ लगाया तू, दूर रहो इससे। शुभी मेरी भी बेटी है। तुम्हारे ही तो पापों की सजा भुगत रही है ना। बस अब और नहीं, मैं पुलिस को जाके सब बता दूंगी। एक माँ के लिए उसका बच्चा ही सबसे बड़ी ताकत होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। मैं इसीलिए चुप थी। इंस्पेक्टर साहब ने जो कुछ भी बताया उससे मैं इतना तो समझ गई थी कि मेरी बच्ची को इस हालत में पहुंचाने वाली कोई औरत थी जो मेरे पति के पापों की सजा मेरी बच्ची को दे रही थी। कैसे कोई औरत इतनी निर्दयी हो सकती है? अगर मेरे पति ने पुलिस की मदद की होती तो समय पर पुलिस उस अपराधी औरत को पकड़ लेती, लेकिन सुनो। जी मैडम। एक ऑटो वाला है जो अपने हाथ में गमछा इस तरह से बांध के ऑटो चलाता है, तुम जानते हो उसको? मैडम ऐसा तो कोई अपने एरिया में नहीं है, अगर कोई नया आया होगा तो मालूम नहीं। मैडम वसई में एक पूजा नाम की आंटी रहती है जो कि ड्रग बेचती है, मुझे लगता है सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास मिल सकती है। उसका नाम और पता भेजो, मैं अभी पहुंचती हूँ। ओके मैडम। संजीव मैं वसई जा रही हूँ, तुम ऑटो वाले का पता लगा के रहना, ठीक है? मैडम चलो। मैम वो सामने फूलों की दुकान में एक औरत है, वही है यहाँ की सबसे बड़ी सप्लायर, ज्यादातर लोग उसी से ड्रग लेते हैं। नहीं आना, दूर हटो। देखो हम तुम्हें गिरफ्तार नहीं करना चाहते, दूर हट। बस तुमसे पूछताछ करना चाहते, नीचे रखो। दूर हटो, पास नहीं आना। मुझे लगा आप लोग मुझे पकड़ने आए हैं। साहब मुझे अपनी परवाह नहीं है, साहब घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। साहब ये मामला भी एक छोटी सी बच्ची के साथ हुए सेक्सुअल असॉल्ट का है।
और हमें शक है कि आरोपी एक औरत है और ड्रग्स एडिक्ट है। तुम्हारे पास कितनी औरतें आती हैं ड्रग्स खरीदने? बस यही कोई 3-4 औरतें ही आती हैं साहब। नाम बताया उनका? हाँ है ना साहब, सबका मोबाइल नंबर है। क्या हुआ? क्या हुआ? ये ठीक है ना डॉक्टर? हाँ ठीक है। आई एम सॉरी, शी इज नो मोर। यहाँ सिर्फ 6 साल की मासूम शुभी ने दम नहीं तोड़ा था, कई मासूम उम्मीदों ने, सपनों ने भी दम तोड़ दिया था। शुभी की मौत के बाद पुलिस के लिए केस और भी मुश्किल होने जा रहा था। सर, वो बच्ची शुभी जाधव, वो नहीं रही। ये अच्छा नहीं हुआ प्रिया, अब उस औरत की शिनाख्त करने में हमें और भी मुश्किल होगी जिसने शुभी के साथ ये सब कुछ किया। राइट सर। उस ऑटो वाले का कुछ पता चला? सर ऑटो वाले का तो पता नहीं चला, लेकिन ड्रग बेचने वाली ने जो नंबर दिए थे उसमें से 3 नंबर बंद है और 1 नंबर किसी रेशमा का है जो 2 महीने से रिहैब सेंटर में है। तो उन 3 नंबर की डिटेल्स निकलवाई? हाँ सर। सर उनमें से एक औरत है निशा, और इसके कॉल डिटेल्स के मुताबिक इसकी शुभी के माँ बाप से रेगुलरली बात होती थी। शुभी खबरदार, जो मेरी बच्ची को हाथ में लगाया तूने तो हाथ तोड़ दूंगी तेरा। छुपा छोड़ मेरा। तेरी नाकों से मैं जिस वजह से डरती थी ना, जिस वजह से मैं तेरी हर बात सहती थी, वो वजह नहीं रही अब। मेरी शुभी मर गई और इसे और किसी ने नहीं, तूने मारा, तूने हत्यारा है तू, हत्यारा मेरी बेटी का। मम्मा, इस बुक में लिखा है कि अच्छे लोग मरने के बाद स्वर्ग में जाते हैं, मैं भी मरने के बाद स्वर्ग में जाऊंगी ना। शुभी, आप आज के बाद ऐसी कोई बात नहीं करोगे। मुझे मुझे ना चक्कर आ रहे हैं, मेरा मेरा सर घूम रहा है, मेरे पेट में भी बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज मुझे थोड़ी सी ड्रग्स ला दीजिए ना, उसके बाद आप जो बोलोगे मैं बताऊंगी। निशा, हमारे कुछ सवालों के जवाब दे दो, तुम्हें जो चाहिए सब मिलेगा। मैं कह रही हूँ ना, मुझे थोड़ी सी ड्रग्स ला दीजिए, उसके बाद मैं सब कुछ बता दूंगी। निशा, हम जानते हैं कि शुभी की माँ तुम्हारी बड़ी बहन है, तुम्हारी ये ड्रग्स की आदत के चलते तुम्हें पैसों की जरूरत थी और पैसों के लिए तुमने शुभी को किडनैप किया। हाँ, मैंने मारा है शुभी को, मैंने मारा है। उस शुभी का बाप है ना रवि, उसने मुझे ड्रग्स की लत लगाई और नशा दे के मेरे साथ सब कुछ किया, और जब उसका मन भर गया तो उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया। मुझे पैसे चाहिए थे 16 लाख की सुबह जब सीमा दीदी के घर गई थी, तभी मैंने सूफी को किडनैप करने का प्लान बनाया। तेरी जान ले लेगा ये नशा, हालत देख अपनी, हड्डी का ढांचा हो गई है। आपके पति की दी हुई लत है, ताली कभी एक हाथ से नहीं बचती। रवि गलत है तो तू भी गलत है, और मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तेरी हालत देख के लग रहा है 2-3 दिन से तूने कुछ खाया नहीं, मैं तेरे खाने के लिए कुछ बना के लाती हूँ। आपका पाउडर ही क्या? तुम रहने दो, मैं कर लूंगी। हाँ।
राजा बन सकता हूँ। आइसक्रीम खाऊंगी? नहीं मम्मी गुस्सा करेगी। मम्मी को बताएंगे तब ना गुस्सा करेगी, मम्मी को पता ही नहीं चलेगा। तुम मुझे ना बिल्डिंग के बाहर मिलना, वहाँ मैं तुमको आइसक्रीम खिला दूंगी। ठीक है। मैंने सोचा उसे किडनैप करके पैसे मांगूंगी, लेकिन फिर मैं डर गई तो मैंने उसे मार दिया था उसे। कैसे मारा उसे और कहाँ ले जाके मारा? मुझे जितना पता था मैंने आपको बता दिया। अब आपने बोला था ना कि आप मुझे ड्रग्स दोगे, अब थोड़ी सी ड्रग्स दे दो, थोड़ी सी। प्रिया सर, निशा ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। हो सकता है सर, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो जानबूझ के शातिर बनने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि उसने सेक्सुअल असॉल्ट की बात ही नहीं की। वो चाहती है कि हम ये माने कि वो ड्रग्स के लिए झूठ बोल रही है। फिलहाल निशा को यहीं रखो। सर, हॉस्पिटल से हवलदार गोविंद का फोन आया था, उसका कहना है कि बच्चे के बाप के बीच में बच्चे के मौत के लेके कुछ लपड़ा हुआ है। अरे सुनो, जिस रिक्शा वाले को देखा है हाथ में लाल कलर का गमछा बांधता है ये? हाँ साहब, कुछ हफ्ते पहले बोरीवली ईस्ट में मैं भाड़ा ले गया था, तभी साठ वाले को मैंने वहाँ देखा। ए भाई चल जल्दी यहाँ से रिक्शा हटा, यहाँ सबसे पहले मेरा नंबर आता है, मेरा रिक्शा लगता है। मेरा नंबर? बाहर का कोई नंबर नहीं लगता है। चल हट। क्या बोल रहा हूँ, चल हटा, चल। मेरा नंबर? हट, तेरा कोई नंबर नहीं यहाँ पे, चल भाग। साहब आप बोरीवली एरिया में पता करो ना साहब। साहब कोई लफड़ा नहीं हुआ, लौती बच्ची थी शुभी हमारी, माँ है उसकी, सतमा लगा है इसको, इसलिए पता नहीं क्या क्या बोल रही है। कुछ तो शर्म कर, कुछ तो शर्म कर। सर मैं नहीं जानती मेरी शुभी को किसने मारा, लेकिन उसकी मौत के पीछे इस आदमी का हाथ है सर, इस आदमी का हाथ। आप कहना क्या चाहते हैं, जरा साफ साफ बताइए। सर ये क्या साफ साफ? एक मिनट, आप बोलिए। इस आदमी ने बहुत औरतों की जिंदगी बर्बाद की है सर, उन्हें में से किसी और ने मेरी चुम्बी को। नहीं नहीं सर, जब मेरी चुम्बी गायब हुई तो ये मुझे बहुत सारे जगह पे लेके गया उसे ढूंढने के लिए। मैं आपको वो सारी बिल्डिंग्स के बारे में बता दूंगी, मुझे बिल्डिंग मालूम है लेकिन फ्लैट नंबर नहीं मालूम, ये मुझे ऊपर नहीं लेके गया। फ्लैट नंबर यही बताएगा या थाने चल के बताएगा? देखिए सर, मैं आपको सच सच यही बता देता हूँ सब, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि औरतों का शुभी की मौत से कोई लेना देना नहीं है सर। किसका किससे क्या लेना देना है नहीं है ये हम पता कर लेंगे। चल तू सबके नाम और एड्रेस लिखवा। हम हिंदुस्तानी पत्नियों को चाहे किसी भी वजह से ही सही अपने पति की बुराइयों को छुपाने, दबाने और सहने की बुरी आदत होती है, और जो औरत इंडिपेंडेंट नहीं होती उसके लिए ये एक मजबूरी भी है। मैं भी आज तक चुप रही, अपने पति की हर ज्यादती हर गलत बात को सहती रही। मेरी बेटी की मौत ने मुझे तोड़ दिया, लेकिन उसे न्याय दिलाने की जिद ने मुझे एक नई हिम्मत दी। काश ये हिम्मत मैंने उसके जिंदा रहते दिखाई होती तो आज मेरी शुभी मेरे पास होती। सीमा ने जो हिम्मत दिखाई, अपने पति के खिलाफ सच बोलने की कोशिश की, उसके बाद अब पुलिस रवि से जुड़ी उन सभी औरतों का पता लगाने में जुट गई थी जिनका उसने शारीरिक और मानसिक इस्तेमाल किया था। लगता है घर पे कोई नहीं है। अरे सुनो, ये 303 वाली आरती मोरे कहाँ है? हाँ हाँ आरती मैडम, वो तो सुबह बैग लेकर निकल गई। कुछ बताया कहाँ जा रही है? नहीं बताया तो नहीं, कुछ नंबर है उसका? हाँ हाँ साहब, वो एक्चुअली में क्या है, जब वो इंटरकॉम खराब हो जाता है तो डायरेक्ट फोन कर देती हैं वो, अगर उन्हें कुछ काम होता है, ये नंबर है। अच्छा ये देखो, ये है रवि, क्या ये अक्सर आरती मैडम से मिलने आया करता था? हाँ मिलने तो आते थे, पर आरती मैडम से नहीं, उनकी छोटी बहन दिशा मैडम से मिलने आते। अब ये दिशा कहाँ मिलेगी? उन्होंने तो एक साल पहले ही सुसाइड कर लिया। प्रिया, दिशा ने सुसाइड कर लिया, अब शुभी की हत्या और आरती गायब, जरा पता लगाओ ये आरती गई कहाँ है। सर किरण जी, झूठ बोलने की या कुछ छुपाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 16 तारीख की शाम को अपनी बच्ची के बारे में पूछने के लिए रवि यहाँ आपके घर में आया था। हाँ सर, वो यहाँ आए थे अपनी बेटी के बारे में पूछने के लिए,
और उसे मुझ पर शक हो रहा था। हमें भी आप पर शक है। मैडम 6 साल पहले मेरा रिश्ता था रवि के साथ, और अब तो मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं, मैं सब भुला चुकी हूँ। क्या आप हमें बता सकती है कि 16 अप्रैल को 10 और 6 के बीच में आप कहाँ थी? यही थी अपने घर पे अपने पति के साथ, उनकी छुट्टी थी उस दिन। अभी कहाँ है आपके पति? अभी घर पे नहीं है वो सर। लेकिन सर प्लीज आप लोग मेरे पति को मेरे और रवि के पुराने रिश्ते के बारे में कुछ मत बताना सर प्लीज, वरना मेरा घर टूट जाएगा। 16 अप्रैल को किरण घर पे थी? 16 अप्रैल को हाँ, सुबह 9 बजे जाते हुए देखा था, फिर वो 11 बजे तक वापस आ गए थे। अकेली आई थी? जी साहब अकेली आई थी। प्रिया अगर देखा जाए तो इन सभी औरतों के पास रवि से बदला लेने की और शुभी की जान लेने की वजह है। हाँ सर, एक तो वो निशा जिसे रवि ने नशे की लत लगा के उसका इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और दूसरी वो आरती जिसकी बहन ने रवि के कारण सुसाइड कर लिया। और ये किरण, प्रिया मुझे लगता है कि रवि की जिंदगी में कई औरतें होंगी, जरा इस रवि की पूरी कुंडली निकालो। सर पापा आप क्या चाहते हो मैं बड़ी होकर क्या बनूं? डॉक्टर, साइंटिस्ट, टीचर, पायलट, इंजीनियर या कुछ और? बेटा मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ मेरे पापा के पास। वो जिंदा तो हो जाती है मगर किसके लिए? एक ऐसे बाप के लिए जो खुद उसकी मौत का जिम्मेदार है, या एक ऐसे आदमी के लिए जो न जाने कितनी जिंदगियों को बर्बाद करने का जिम्मेदार है? अगर अभी भी थोड़ी शर्म बाकी है ना रवि, तो पुलिस के सामने जाकर अपने गुनाह कबूल कर लो। कब तक अपने गुनाहों का बोझ ढोते फिरोगे रवि? आप रवि को कब से जानते हैं? 10 साल से जानते हैं, हमारा पड़ोसी है। उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि किस तरह का इंसान है वो? हमारे साथ तो संबंध अच्छे हैं। हाँ लेकिन मैंने सुना था कि कई सारी औरतों के साथ उसका चक्कर है। और तो और उसकी बीवी भी कुछ बोलती नहीं थी ना? जी सर। तुम यहाँ काम करते हो? हाँ मैडम मैं यही काम करता हूँ रवि भाई के पास में। उन्होंने ही मुझे ड्राइविंग स्कूल में ड्राइविंग सिखा दी, उसके बाद में नौकरी भी दिला दी। मेरे लिए तो सब कुछ अच्छा ही किया रवि भाई ने। और बुरा किसके साथ किया? तुम तो अच्छे से जानते होंगे कि रवि का किन किन औरतों के साथ चक्कर था। मैडम अब ये तो रवि भाई को भी याद नहीं होगा। तुझे जितना याद है उतना बता दे। चल सर एक बार तो रवि भाई औरतों के चक्कर में मरते मरते बचे थे। सर सर ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। ये झूठ है या वो झूठ था जो तुम बोलते आ रहे थे? सिटी हॉस्पिटल में तुमने बोला कि तुम धारदार चाकू पर गिर गए थे, अब तो सच बोल दो। सर मैंने कोई झूठ नहीं बोला था, मैं सच कह रहा हूँ। स्मिता लेकर आओ उन्हें। देखो आपका बजट कितना पड़ता है आप ये बताओ महेश भाई। 3.5 के हिसाब से सबसे बेस्ट गाड़ी है ये। 2015 का मॉडल है, मात्र 7000 किलोमीटर चली है। सत्रह साल की थी मेरी पूर्वी, इस नालायक ने उसे पेट से बना दिया। बदनामी से बचने के लिए मैं अपने पूर्वी को गांव में छोड़ के आ गई, लेकिन मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहती थी। अगर उस वक्त आपने पुलिस में कंप्लेंट कर दी होती तो आज ये जेल में होता। साहब मैं अभी कंप्लेंट करेगी तो चलेगा ना? क्या क्या कंप्लेंट? ये जो तू बाहर घूम रही है ना, मेरी वजह से घूम रही है। जान से मारने की कोशिश की थी तूने मुझे। अगर तू मेरी कंप्लेंट करेगी ना तो मैं भी तेरी कंप्लेंट करूंगा, समझी? ठीक है चालेल। साहब अभी रिपीट लिखो, इसे सजा मिलने के लिए मैं कोई भी सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। ये जेल में सड़ना चाहिए ये आदमी। हाँ कामत वो बाहर ले गए। लेकिन सर ये चलो मुझे एक बात बताइए, अगर इसे सजा दिलाने के लिए आप कुछ भी कर सकती हैं फिर इसे ही सजा देनी थी। छुबी के साथ वो सब क्यों की? क्यों मारा उसे?
मी कायने के लिए साहब, हाँ खरा संगते मी कायने के लिए, इस कमीनी के वजह से मैं इसकी सजा उसे क्यों देती साहब, माजी भी तो पोरगी है। हाँ 16 तारीख को 10 से 6 के बीच आप कहाँ थी? वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं घर पे ही थी साहब। ठीक है जाइए। रिया इस पे नजर रखो। देख तेरी सजा का इंतजाम तो पूर्वी के मान ने कर दिया, अब रहे शुभी के खाते। बता तुझे कैसे पता चला कि शुभी को किसी औरत ने किडनैप किया है? देख छुपाने का कोई फायदा नहीं है, तू नहीं चाहता कि तेरी बेटी के कातिलों को सजा मिले? सर सर मुझे कैसे, मैं शायद लिखा था तेरे पापों की सजा मैं तेरी बेटी को देने वाली हूँ, यही कुछ 12 बज रहे थे। प्रिया सर इस नंबर की डिटेल्स निकालो। सर शक की सुई अभी भी इन तीनों पे अटकी है, किरण, निशा, आरती या पूर्वी की माँ, और इनमें से किरण को छोड़ के तीनों औरतें ऐसी हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में रवि की वजह से नुकसान उठाया। लेकिन सर मैंने तीनों औरतों का कॉल रिकॉर्ड चेक किया, 16 अप्रैल को तीनों वसई और उसके आसपास के इलाके में थे, अंधेरी कोई नहीं गया। प्रिया हो सकता है कि बच्ची के साथ गलत वसई में किया गया, उसे जहर वहां खिलाया गया और फिर किसी औरत के जरिए यहां अंधेरी में छोड़ दिया। सर मुझे ऐसा लग रहा कि पूर्वी की माँ स्मार्ट खेल रही है, उसी ने ये सब किया है। वो जानती है कि अटेम्प्ट टू मर्डर का गुनाह कबूल करने में सजा कम होगी, इसलिए उसने रवि पर हमले का गुनाह कबूल कर लिया और शुभी के बारे में कुछ नहीं बोला। निशा को छोड़ दो। सर अरे सुनो। हाँ 2 मिनट बाहर। इस रिक्शा वाले को देखा है? सर ऐसा लाल वाला गमछा एक ही रिक्शा वाला सर डाल के घूमता हो रहा सर। सर 16 तारीख को जिस नंबर से रवि को धमकी वाला मैसेज भेजा गया था वो फेक आईडी से था। सर एक सेकंड। हेलो उस पे नजर रखो हम अभी आते हैं। सर उस ऑटो वाले का लीड मिल गया जिसने शुभी को अंधेरी लाया गया था। जी मैडम ये वही बच्ची है जो उस दिन मेरे ऑटो में बैठी थी बेसच्चे के नाके से, और उसके साथ एक औरत भी थी। मैडम क्या बात है, बच्ची कोई तकलीफ में है क्या? नींद में है, तबीयत नहीं ठीक है उसकी। उस औरत का चेहरा देखा था? हाँ मैडम मुझे याद आया, एक बार उस औरत ने अपने चेहरे से दुपट्टा हटाया था क्योंकि उसे सेव पूरी खानी थी। अगर तस्वीर दिखाई जाए तो पहचान लूंगा। हाँ सर मैं जरूर पहचान लूंगा। ये देखो इनमें से कोई है? हाँ एक मासूम बच्ची को तड़पा तड़पा के मार डाला, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों किया ऐसा बच्ची के साथ? उस बच्ची के बाप ने मेरे कई बच्चों को मार दिया था। रवि कितनी बार गए प्रोटेक्शन साथ में लेकर चला करो, भूल गए? पिछली बार 2 महीने हो गए थे। ये ले। हम लोग तो शादी करने वाले हैं ना, तो फिर इसकी क्या जरूरत है? लोग शादी करने वाले हैं, बच्चा नहीं, समझी? खालो। 2 साल तक वो मुझे बेवकूफ बनाता रहा, उसके झांसे में आकर मैं बच्चा गिराने की दवाई खाती रही, फिर समझी वो तो मुझे यूज कर रहा था, मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी, फिर मैंने उसको छोड़ दिया। मैं किसी से शादी नहीं करना चाहती थी, बस अपने अपनी फैमिली की वजह से शादी करनी पड़ी। शादी के 5 साल बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ। किरण पूरा चेकअप करने के बाद यही बात सामने आई है कि तुम्हारा यूट्रस बुरी तरह से डैमेज हो चुका है। ऐसा कैसे हो गया डॉक्टर? देखो किरण बहुत सी वजह हो सकती है, कभी कभी बहुत ज्यादा बार एबॉर्शन करने की वजह से, कभी कभी बच्चा ना होने वाली मेडिसिन खाने की वजह से भी ऐसा हो जाता है। लेकिन डॉक्टर मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना, माँ बन पाऊंगी ना? आप सॉरी किरण तुम अब कभी माँ नहीं बन सकती। मेरी हालत रवि की वजह से मैं कभी माँ नहीं बन सकती। तुम माँ नहीं बन सकती, इस बात की सजा उस मासूम शुभी को क्यों? रवि अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, मैं भी उसे वही तकलीफ देना चाहती थी जिस तकलीफ से मैं जूझ रही थी।
मैंने उसकी बेटी पर एक हफ्ते तक नजर रखी, फिर पता लगा उसे किताबों का शौक है। बेटा मुझे आपके पापा ने भेजा है, आपके पापा ने। ये देखो, ये दोनों चॉकलेट्स आपके लिए हैं और ये बुक, ये भी आपकी है, लो। मैं आपको और सारी चॉकलेट्स दूंगी, चलो मेरे साथ। हाँ, और फिर बहला फुसलाकर मैं उसे अपने साथ ले गई। मैंने एक नकली आईडी से सिम लेकर रखा था। मैं उसे उसकी बेटी की आवाज सुनाकर उसके बाप को तड़पाना चाहती थी, तड़पते हुए देखना चाहती थी मैं उसे। उसका फोन बंद निकला, इसलिए मैंने उसे मैसेज किया। मुझे मम्मा के पास जाना है। से एक सवाल करूंगी, तुझे उसका सही जवाब देना होगा। अगर तेरा जवाब सही हुआ ना तो समझ तू गई। पूछो क्या सवाल है? मुझे तो बस घर जाना है, मम्मा के पास। घर जाना है ना? हाँ। तो फिर बता, बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मम्मा कहती है कि बच्चे मम्मा की टमी से पैदा होते हैं। टमी से पैदा होते हैं? हाँ? गलत जवाब। तो ऐसा करने से अब तुम माँ बन सकती हो। मुझे ये समझाओ, शुभ की गलती क्या थी? मानती हूँ उस बच्चे की कोई गलती नहीं थी। मैंने जो किया उसके बाप को तड़पाने के लिए किया। आज मेरे पति पछतावे में हैं। सजा से ज्यादा उन्हें बेटी को खोने का एहसास जीने नहीं दे रहा। लेकिन जिन औरतों के साथ उन्होंने गलत किया, वो भी तो किसी की बेटी थी। किरण के साथ रवि ने जो भी किया वो गलत था। किरण के दोषी थे रवि, और इसका हिसाब किरण को उन्हीं से लेना चाहिए था। वो पुलिस में कंप्लेंट करती, उन्हें सजा दिलवाती, पर मेरी शुभी, उसकी क्या गलती थी? मेरी शुभी को ये सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। जब जिंदगी फटे हाल हो तो सिली कमीज पहन के कौन सा भाग्य बदल जाएगा? सपने सिर्फ देखने भर से ही पूरे हो जाते तो दुनिया में कोई गरीब नहीं होता। कमीज दो, सिल देती हूँ। रहने दो, ठीक है। फटी हुई कमीज पहनकर दुनिया में अपनी गरीबी का ढिंढोरा पीटोगे तो भी रहम की भीख नहीं मिलने वाली। दो, दूध का ध्यान रखना, लाती हूँ सिल के। तानिया को साइकिल चलाना अच्छा लगता है? हाँ, मुझे साइकिल चलाना बहुत अच्छा लगता है। और आप जब मुझे साइकिल दिलाओगे ना, तो मैं साइकिल को मैदान में जाके खूब चलाऊंगी और ट्यूशन तक भी ले जाऊंगी। तानिया, गिट्टी खेल खेल के बोर हो गई ना? बेटा मुझे 2 दिन दे, मैं पक्का तेरे लिए साइकिल लेकर आऊंगा। God promise. अरे फिर से God promise. God promise नहीं, God promise बोल। बुढ़ी बाबा। हाँ, तेरा God promise। यहाँ दूध उबल के आधा हो गया और तुम बच्चे को छोटे सपने दिखा रहे हो। क्यों गरीबी में आटा गीला कर रहे हो? शारदा, तुम सिर्फ मुहावरे ही मारते रहना। तुम ये क्यों नहीं समझती हो कि आटे दाल की चिंता मुझे तुमसे ज्यादा है? नौकरी छोड़कर खुद घर पे बैठे हो और ताने मुझे दे रहे हो। तुमसे कुछ नहीं होता तो मुझे कह दो, सबका पेट भरने के लिए मैं भी दूसरों के यहाँ बर्तन मान सकती हूँ। कोठाई जाओ। मम्मी, आप हमेशा पापा को डांटते क्यों रहती हो?
पापा आप एक काम करो, आप मेरे लिए साइकिल मत लाओ, क्योंकि टीचर कह रही थी अगर स्कूल की फीस नहीं भरी तो वो मुझे स्कूल से निकाल देंगे। कहते हैं इस दुनिया में हर चीज एक्सपायरी डेट के साथ आती है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें अपनी एक्सपायरी डेट कभी पता नहीं चलती, और अगर पता होती तो शायद उससे पहले अपने सारे सपने पूरे कर लेते। हेलो, पीछे हटिए आप लोग, पीछे हटिए, पीछे हटो, पीछे हटो, पीछे पीछे ले। इसकी जेबें चेक करो सर, इसकी पॉकेट में मोबाइल और पैसे मिले हैं। 250 रुपए सर, मोबाइल भी है पैसे भी हैं, इसका मतलब है लूट के इरादे से मर्डर नहीं हुआ। सर इसकी पॉकेट में एनवेलप भी है। नेगेटिव्स? सर फोटो लो इसकी। सर ये तो कोई एंटी गन लगती है। हेमंत, गन को बैलिस्टिक और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ, और इसके फोन को ऑन करवा के देखो, शायद इसके घर वालों के नंबर इसमें फीड हो। यस सर। शारदा जी, संभालिए अपने आप को। मुझे ये बताइए कि आपके पति सूरज घर से कुछ बोल के गए थे कि कहाँ जाने वाले हैं? बोल कर गए थे कि अपने लिए नौकरी ढूंढने जा रहे हैं। कब से नौकरी ढूंढ रहे थे? करीब एक महीने से। इसके पहले वो किराने की दुकान पर नौकरी करते थे। पर शारदा जी, कोई तो ऐसी वजह रही होगी जो आपके पति को इस तरह से मारा गया। ठीक है, बाहर उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन घर के अंदर ही परिवार में कोई रंजिश? नहीं साहब, उनका हमारा हमारी बेटी के सिवा कोई सगा नहीं था। जरा अच्छे से याद करके बताइए, आपने कभी अपने पति को किसी के साथ देखा हो या कोई ऐसी बात सुनी हो? नहीं साहब, हमने कभी नहीं सुना। लेकिन हाँ, करीब 10 दिन पहले हम बाजार गए थे, वहां उन्होंने किसी को देखा था। चलो पकड़ो, मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। सूरज, तब वो किसी से मिलने गए थे, लेकिन जब वापस आए तो बहुत जल्दी में लग रहे थे। आलिया ना, चलो। हाँ, लेकिन किससे मिलने गए थे? अरे घर चल के सब बताऊंगा, चलो। तो बताओ तो। बाद में मैंने घर जाके भी उनसे उस बारे में पूछा, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। तो आपको लगता है कि आपके पति की मौत की वजह वो शख्स हो सकता है जिसे वो उस दिन बोरिया नगर में मिलने गए थे? शायद, क्योंकि उस दिन के बाद से वो और भी ज्यादा परेशान रहने लगे थे। लेकिन वो था कौन, जरा सा भी आइडिया है आपको? ठीक है, अगर आपको उस आदमी के बारे में कुछ भी पता चले या आपको कुछ भी याद आए तो हमें बताइएगा। फिलहाल आप जा सकते हैं। एक मिनट, आपके पति सूरज जी की जेब से हमें कुछ नेगेटिव्स मिले थे,
आप कुछ बता सकती हैं किन फोटोग्राफ्स के नेगेटिव से हैं? नहीं साहब, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और इससे पहले तो मैंने उनके पास ये कभी देखा भी नहीं था। ठीक है, सर रील कैमरा का ट्रेंड 8 से 10 साल पहले बंद हो गया था, फिर कोई नेगेटिव को संभाल के रखे, इसकी कोई ना कोई तो बड़ी वजह होगी। और सूरज की पत्नी का कहना है कि उसने नेगेटिव सूरज के पास में कभी देखे ही नहीं, तो क्या किलर जानबूझकर सूरज की जेब में नेगेटिव रख के चला गया? और क्राइम सीन पे गन का मिलना, सर सब कुछ सस्पिशियस लग रहा है। लेकिन विश्वास, फिलहाल तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एक मामूली सा गरीब आदमी जिसके पास खाने को भी लाले पड़े हुए थे, नौकरी नहीं थी, उसे कोई इतनी बेरहमी से क्यों और किस मकसद से मारेगा? सर सूरज की बीवी ने डायरेक्ट शक किसी पे नहीं जताया, लेकिन वो कह रही थी कि सूरज के मर्डर से 10 दिन पहले सूरज किसी अनजान शख्स से मिला था। सर कहीं कोई कहानी बनाकर तो नहीं चली गई? पर अगर कहानी बना भी रही है तो सामने तो आ ही जाएगी। तुम एक काम करो, फिलहाल इन नेगेटिव्स को डेवलप करवाओ, और जैसे ही सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स आते हैं उन्हें स्टडी करो, और सूरज के आस पड़ोस, वो जहां पहले नौकरी करता था, हर जगह अच्छे से पूछताछ करो। सर कहां रह गई मम्मी? मम्मी अब तक आई क्यों नहीं? मम्मी, मम्मी आप कहां रह गई थी? पापा, पापा कहां? वो अब तक आए क्यों नहीं? अपनी माली हालत से जूझता सूरज का परिवार घर के अकेले करता धरता सूरज को खो चुका था। एक गरीब इंसान जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए संघर्ष कर रहा था, आखिर वो किसकी ऐसी दुश्मनी का शिकार हुआ? सर, सर वो नेगेटिव्स डेवलप करवाए। सर नेगेटिव से पता चला है कि फोटोज किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। जिस औरत की शोक सभा है उसका नाम तो लिखा है बैकग्राउंड में, लेकिन लोगों से कवर्ड है। सर ये फोटो 16 साल पहले खींची गई थी, ये देखिए सर। लेकिन सूरज की हत्या का 16 साल पहले की शोक सभा की फोटो से क्या कनेक्शन हो सकता है जिसके नेगेटिव उसकी जेब में थे? सर ये तो कुछ भी नहीं है, क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी वो 80 साल पुराने मॉडल की गन है। सर ऐसी गन्स ब्रिटिश काल में बना करती थी। गन की बैलिस्टिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का क्या स्टेटस है? सर रिपोर्ट कल तक आ जाएंगे। सर 16 साल पुरानी फोटोज और 80 साल पुराने मॉडल की गन, सर इस केस की जड़ें जरूर गहरी है। आयमंत, सर सूरज के पड़ोसियों से पूछताछ में पता चला कि सूरज और उसकी बीवी के बीच में बनती नहीं थी। सर वजह का तो नहीं पता चला, लेकिन ये पता चला है कि दोनों के बीच में अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक काम करो, सूरज की बीवी को थाने बुलाओ और उनके बीच होने वाले झगड़ों की वजह पता करो। हो सकता है उन दोनों के बीच कोई तीसरा हो जिसकी वजह से सूरज की मौत हुई। तुम्हारे पति सूरज की जेब से जो नेगेटिव्स मिले थे ये उसके फोटोग्राफ्स हैं, किसी पारसी औरत की शोक सभा के हैं। मुझे नहीं पता साहब कि ये सब कौन है। तो तुम इनमें से किसी को नहीं जानती? नहीं साहब। अगर तुम किसी को नहीं जानती तो किसी पारसी औरत की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव तुम्हारे पति सूरज की जेब में क्या कर रहे थे? मुझे ये सब नहीं पता साहब, मुझे तो ये भी नहीं पता कि सूरज किसी पारसी को जानते थे भी या नहीं। शारदा, हमें पता चला है कि तुम्हारे और सूरज के बीच रिश्ता कुछ ठीक नहीं था, तुम्हारे अक्सर झगड़े हुआ करते थे, कहीं तुम्ही ने तो तंग आकर उसे। साहब आप मुझ पे शक कर रहे हैं साहब। आजकल छोटी छोटी बातों को लेकर मर्डर भी हो जाया करते हैं शारदा। सूरज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर सूरज की मौत 7 नवंबर को शाम 4 बजे हुई थी, और बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये कंफर्म है कि क्राइम सीन पे जो गन हमें मिली थी उस गन से ही सूरज को पॉइंट ब्लैंक पे शूट किया गया था। जिस वक्त सूरज की हत्या हुई उसकी बीवी कहाँ थी? सर उसकी बीवी घर पर ही थी। सर हमने उसके कॉल रिकॉर्ड्स को भी चेक किया है, अफेयर का तो कोई क्लू नहीं मिला। लेकिन सर सूरज की मौत बहुत ही प्लानिंग से की गई है। मतलब? सर सूरज को जल मंदिर के एक पीओसी से कॉल आया था 2:30 बजे, और उस वक्त सूरज बोरिया नगर में था। सूरज की हत्या हुई 4 बजे और उसकी डेड बॉडी मिली दीघा नगर के आउटस्कर्ट्स में, तो हो ये भी सकता है विश्वास कि 2:30 बजे जल मंदिर के पीसीओ से जो फोन किया गया वो उसे क्राइम सीन पे बुलाने के लिए किया गया हो। सर लग तो यही रहा है, लेकिन सूरज को कॉल किसने किया था ये अभी तक पता नहीं चल पाया। सर हमने पूछताछ की है, कोई क्लू नहीं मिला, और सर वहाँ पर कोई सीसीटीवी भी नहीं है। इसका मतलब है जो कोई भी था वो इतना अलर्ट था कि उसने मोबाइल का इस्तेमाल नहीं किया, और अगर वो सूरज की बीवी के टच में होगा तो मोबाइल कन्वर्सेशन अवॉइड करता होगा। सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स क्या बताते हैं? सर सूरज पिछले दिनों अधिकतर कॉल काम मांगने के लिए कर रहा था, और अब तक सूरज के बारे में जितना पता चला है उससे ये साफ है कि सूरज बहुत ही ज़रूरतमंद था,
सूरज के कॉल रिकॉर्ड्स में से किसी पारसी का नंबर मिला है? नहीं सर, और पूछताछ में भी ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया कि सूरज किसी पारसी औरत को जानता भी था। लेकिन मैं कोलकाता की पारसी कम्युनिटीज के लोगों से पता लगवा रहा हूँ कि 16 साल पहले किस पारसी औरत की मौत हुई जिसकी। पापा, फिर ये जो, प्लीज प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, साइकिल भी नहीं चाहिए, और आप ना स्कूल की फीस भी मत भरना। आप भी कम पढ़े थे ना, मैं भी नहीं पढ़ूंगी। नहीं तान्या बेटा, पढ़ाई से कभी जी नहीं चुराना। देख बेटा, मैं तो ज्यादा पढ़ नहीं पाया, लेकिन बेटा तू इतना पढ़ना कि सबको पीछे छोड़ देना। हाँ, छोड़ेगा ना सबको पीछे? आओ मेरा बच्चा। हेलो सर, सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था उस दुकान के मालिक से मेरी बात हुई। देखिए सर, इससे पहले किसी ने कोई और स्टोरी सुना के मुझ पर शक जाहिर करे, मैं खुद बता देना चाहता हूँ। एक महीना पहले सूरज ने मेरे गाला से पैसा छुड़ाया था, इसलिए हमने उसको नौकरी से निकाल दिया। सूरज की बीवी ने हमें बताया था कि सूरज ने खुद नौकरी छोड़ी थी, और अब हमें पता चल रहा है कि उस पर चोरी का इल्जाम लगा था, इसलिए उसे नौकरी से निकाला गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज की बीवी उसके बारे में और बहुत कुछ जानती है, हमसे छुपा रही है? हो सकता है सर, लेकिन दुकान का मालिक सच बोल रहा है इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। मेरी दुकान पे काम करने वाले वर्कर से बात हुई, लेकिन उन्होंने दुकान के मालिक के बारे में कुछ और ही बोला है। साहब, सूरज कभी चोरी नहीं कर सकता, वो बहुत ईमानदार था। पर तुम्हारा मालिक सूरज पे चोरी का इल्जाम क्यों लगा रहा है? साहब, सूरज कई वक्त से तनख्वाह बढ़ाने के लिए बोल रहा था, पर वो टाल रहे थे। साहब, वो तो टाइम पे तनख्वाह भी नहीं देते थे। कई बार इस बात पे सूरज की उनसे कहा सुनी भी हुई, शायद इसीलिए साहब उसको चोरी का इल्जाम लगा के उसे नौकरी से निकाल दिया। क्या नाम है सूरज के मालिक का? विनोबा मित्रा। उसकी पूरी कुंडली निकाल रहा हूँ सर। लेकिन बाकी वर्कर्स को भी भूलना मत, हो सकता है मालिक सच बोल रहा हो, वर्कर्स झूठ बोल रहे हैं। और सूरज की बीवी पे नजर रखो। ओके सर। सूरज की हत्या में सूरज की बीवी, सूरज का मालिक और सूरज के साथ काम करने वाले को वर्कर्स पुलिस की रडार में थे। सूरज की बीवी का कहना था कि उसने सूरज को बोरिया बाजार में किसी से मिलते हुए देखा था जो उसका हत्यारा हो सकता था। लेकिन क्या इसमें कोई सच्चाई थी या सूरज की बीवी पुलिस को गुमराह करना चाहती थी? हाँ बोलो विश्वास। सर, सूरज की जेब से जिस शोक सभा के फोटोज के नेगेटिव हमें मिले थे, वो शोक सभा 16 साल पहले कोलकाता के बंस द्रोणी में रहने वाली लेट नवरोज ईरानी के लिए रखी गई थी। सर, नवरोज ईरानी का 16 साल पहले मर्डर हुआ था। What? नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था? लेकिन सर, अभी तक ऐसा कुछ भी पता नहीं चला है कि सूरज नवरोज ईरानी को जानता भी था या नहीं। लेकिन सूरज की जेब से हमें नवरोज ईरानी की शोक सभा के फोटो के नेगेटिव मिले थे, तो उसका नवरोज ईरानी से कोई ना कोई कनेक्शन तो होगा। अच्छा, इस नवरोज ईरानी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली? सर, नवरोज की कम्युनिटी के लोगों से तो फिलहाल इतना ही पता चला है कि नवरोज की शादी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी एक सगी बहन है फिरोजा नवरोजी, वो यही पार्क स्ट्रीट में रहती है, हो सकता है वो सूरज को जानती हो। तुम नवरोज की बहन का एड्रेस मुझे मैसेज करो और ये पता लगाओ कि नवरोज ईरानी के मर्डर केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। हो सकता है सूरज के मर्डर का नवरोज ईरानी के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। फिरोजा मैडम है? फिरोजा नवरोजी जी, मैं ही हूँ, बैठिए। सूरज कुमार को जानती हैं आप? मैं किसी सूरज कुमार को नहीं जानती। आप नहीं जानती तो शायद आपकी बहन नवरोज ईरानी जानती हो। नवरोज, उसको गुजरे हुए तो 16 साल हो गए हैं, अब वो किसको जानती थी किसको नहीं इसका पता मुझे कैसे हो सकता है। वो मेरा बेटा है साइरस। बुलाइए उसे। साइरस, आइए। साइरस, हम दरअसल ये जानना चाहते थे कि आप या आपकी मदर किसी सूरज कुमार को जानते हैं। मैंने कहा ना आपसे, हम किसी सूरज कुमार को नहीं जानते, तो आप बार बार एक ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं। एक्चुअली जिस तरह से 16 साल पहले आपकी बहन को मारा गया था,
उसी तरह 7 नवंबर को सूरज कुमार की हत्या हुई है और हमें सूरज कुमार की डेड बॉडी के पास से कुछ फोटोग्राफ्स के नेगेटिव्स मिले हैं। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स आपकी बहन नवरोज ईरानी की शोक सभा के हैं। अब ये महज इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप शायद सूरज कुमार को नाम से नहीं पहचान पा रही। ये है सूरज कुमार। जी नहीं, हम इसे नहीं जानते। ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा तकलीफ देंगे आप। थैंक यू। नवरोज आंटी के शोक सभा के फोटोज उस आदमी के पास कैसे पहुंचे? अब वो सब मुझे कैसे मालूम होगा? और तू बोल, आ चक्कर शू छे? सर, नवरोज ईरानी मर्डर केस की फाइल मैंने पढ़नी शुरू की ही थी कि एक चौंकाने वाली बात पता चली। सर, 16 साल पहले नवरोज ईरानी को जिस गन से शूट किया गया था वो गन भी 80 साल पुरानी ब्रिटिश काल में बनी थी। सर, ये देखिए, ये बुलेट हमें नवरोज की बॉडी से मिली थी और ये बुलेट हमें सूरज की बॉडी से मिली, और इन दोनों मर्डर्स के बैलिस्टिक रिपोर्ट से ये पता चलता है कि ये दोनों बुलेट एक ही गन से फायर की गई। विश्वास, अगर इन दोनों को एक ही गन से मारा गया है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन दोनों का किलर एक ही हो। लेकिन सर, नवरोज ईरानी को किसने मारा था ये 16 साल से अभी तक पता नहीं लग पाया। लेकिन सूरज कुमार मर्डर केस में पिछले 13 दिन में हमें एक ही लीड मिली है कि हो सकता है जिसने सूरज को मारा हो उसी ने नवरोज को मारा हो। इसलिए नवरोज मर्डर केस के जितने भी सस्पेक्ट थे अब वो हमारे लिए सूरज कुमार के मर्डर केस के भी सस्पेक्ट हैं। नवरोज मर्डर केस को इन्वेस्टिगेट कौन कर रहा था? सर, पुलिस इंस्पेक्टर प्रणव रॉय। रिटायरमेंट के बाद से वो सिलीगुड़ी में रह रहे हैं। मैंने उनसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट की थी और कल सुबह 11 बजे वो हमसे यहाँ मिलने के लिए आने वाले हैं। सूरज, शारदा, नवरोज ईरानी मर्डर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये दोनों नाम कभी सामने आए नहीं। आई एम ऑल्सो सरप्राइज्ड कि सूरज का भी उसी गन से मर्डर हुआ 16 साल पहले जिस गन से नवरोज ईरानी का मर्डर हुआ था। सर, माना कि नवरोज ईरानी केस सॉल्व नहीं हो पाया, पर आपकी गट फीलिंग क्या कहती है, नवरोज को किसने मारा होगा? हमारा पहला सस्पेक्ट था साइरस नवरोजी। साइरस नवरोजी, नवरोज का भांजा? यस, एंड द मोटिव वॉज नवरोज ईरानी की प्रॉपर्टी। साइरस एक दूसरे फ्रॉड केस में भी सस्पेक्ट था। एक्चुअली उसने एक चिटफंड कंपनी खोल रखी थी और लोगों से काफ़ी पैसे वसूल लिए थे कंपनी के बिहाफ पे। पैसा लौटाने का बहुत प्रेशर था उसके ऊपर, और नवरोज के मर्डर के बाद उसने नवरोज की प्रॉपर्टी पर क्लेम किया और नवरोज का घर 87 लाख रुपये में बेच दिया। इस केस में हमने उसे अरेस्ट भी किया था, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस ना होने की वजह से कोर्ट ने उसे रिलीज कर दिया। बट आई स्ट्रांगली डाउट दैट बॉय वॉज क्लीन। साइरस के अलावा और कोई सस्पेक्ट? हमें बहुत स्ट्रांगली लग रहा था कि नवरोज मर्डर में जगत राय का हाथ हो सकता है। जगत राय जो MLA है? हाँ, नवरोज ईरानी जिस कंपनी में सेक्रेटरी थी उस वक्त जगत राय वहाँ के वर्कर्स यूनियन का लीडर था और उसने कंपनी में स्ट्राइक करवा दी थी। इसको लेकर नवरोज और जगत राय में काफी झगड़ा हुआ था। आप लोग अंदर नहीं जा सकते, हमें MD विनोद साय से मिलना है अभी। वो आज ऑफिस नहीं आए हैं। तुम बोलोगे और हम मान लेंगे। यहाँ तमाशा मत करो, जस्ट लीव। और नहीं गए तो? I said leave, so leave. अपनी औकात में रहना, समझी तू? जगत राय ने थप्पड़ ही नहीं मारा, जान से मारने की धमकी भी दी नवरोज को। और इस मैटर में नवरोज ने केस फाइल कर दिया जगत राय के खिलाफ। जेल से छूटने के 3 महीने बाद नवरोज का मर्डर हुआ और यही वजह थी कि जगत राय हमारे रडार में आया, बट उसके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं था। सर, नवरोज का जब मर्डर हुआ था तब वो 40 साल की थी और सूरज तब 16 साल का था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि नवरोज ईरानी को किसी कॉन्ट्रैक्ट किलर ने मारा हो। तो आपकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसी कोई ट्रेल सामने आई थी जिससे ये पता चले कि वो गन कहाँ से खरीदी गई? हमने उस टाइम के तमाम हिस्ट्री शीटर्स और इलीगल आर्म डीलर्स को भी राउंड अप किया था, लेकिन उस गन से रिलेटेड हमें कोई लीड नहीं मिली थी। इवन हमने तमाम वेस्ट बंगाल के रॉयल फैमिली से भी पूछताछ की जिनके पास ब्रिटिश एरा के गन होने की संभावना हो सकती थी, लेकिन उस मामले में हमें कुछ हाथ लगा नहीं। सर, अपने खबरियों के नेटवर्क से भी उस गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। विश्वास, ये गन 16 साल पहले एक मर्डर में इस्तेमाल हुई और वही गन 16 साल बाद एक दूसरे मर्डर में इस्तेमाल हुई, तो इस बात की भी पूरी पॉसिबिलिटी है कि इन 16 सालों के दौरान और कई मर्डर्स में इस गन का इस्तेमाल किया गया हो। एक काम करो, पिछले 16 सालों में जितने भी मर्डर्स गोली मार के हुए हैं उन सबकी बैलिस्टिक रिपोर्ट चेक करो। सर, जगत राय और साइरस
ये दोनों नवरोज ईरानी मर्डर केस के प्राइम सस्पेक्ट है। हो सकता है इन दोनों का भी इस गन के साथ कोई कनेक्शन हो, और हमें यह भी पता लगाना है कि इन दोनों का सूरज कुमार के मर्डर से क्या कनेक्शन हो सकता है। और नवरोज ईरानी की शोक सभा में ये जितने भी लोग हैं, इन सब का कनेक्शन भी सूरज कुमार के साथ हो सकता है। इन सबको आइडेंटिफाई करो और सभी से पूछताछ करो। सर, जिस कंपनी में नवरोज मैम सेक्रेटरी थी, वहीं मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव था। हमको हमेशा लगा कि नवरोज ईरानी का मर्डर जगत राय ने किया था। वो बहुत पावरफुल लोगों को जानता था और उन्हीं का बदौलत वो यूनियन लीडर से MLA बन गया। लेकिन नवरोज मैम बहुत डेयरिंग लेडी थी। वो सच और सही के लिए किसी से भी लड़ जाती थी। पढ़ लिया, ये मांगे हैं मेरे मजदूरों की। MD को बोलो ये मांगे पूरी नहीं हुई तो हड़ताल कभी खत्म नहीं होगी। ये मांगे वर्कर्स की नहीं है, तुम उन्हें डरा धमका के उनके और कंपनी के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर रहे हो। I will expose you very soon। और नवरोज मैम ने जगत राय को जेल करवा दी। उसके बाद वो दोबारा कभी यूनियन लीडर नहीं बना। इसी वजह से जगत राय ने नवरोज मैम को खत्म कराया होगा। इस फोटो को ध्यान से देखो, इस आदमी का नाम सूरज है। इस आदमी को तुमने नवरोज मैडम के साथ में देखा था? नहीं सर। बेटा कहाँ है तुम्हारी मम्मी? मम्मी घर पे नहीं है, आप चले जाइए यहाँ से, ये मेरे पापा का घर है। ओ शारदा जी, कहाँ हो तुम? नहीं जानता इसको। और कुछ? आप सूरज कुमार को नहीं जानते, लेकिन हमें पता चला है कि जिसने सूरज कुमार को मारा है उसी ने 16 साल पहले नवरोज ईरानी को भी मारा था। और नवरोज ईरानी केस में तो आप उस केस में 16 साल पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी थी मुझे। अपना रिकॉर्ड चेक करो। सर फिलहाल तो हम सूरज कुमार का मर्डर केस सॉल्व कर रहे हैं, और अगर हमें ये पता चला कि इस मर्डर में भी आपका हाथ है तो आपके खिलाफ 2 मर्डर केसेस। इंस्पेक्टर, मिलने का समय दिया है तो अपनी लिमिट मत क्रॉस करो। सब लोग जानते हैं कि नवरोज ईरानी को उसके भांजे साइरस ने मारा था। अगर एक केस सॉल्व करना चाहते हो तो साइरस को पकड़ो, साइरस को इन्वेस्टिगेट करो, मेरा टाइम मत खराब करो, समझे? ओ खुदाई, बहुत बुरे हैं हम, रोज एक नया पाप करते हैं, हमें हमारे गुनाहों की माफी दो। वो मैंने चिट फंड के लिए जो लोगों से पैसे लिए थे, वो नवरोज आंटी का घर बेचकर भी नहीं चुका पाए। आई एम रियली स्कैर्ड, कहीं वो मुझे पनिश ना करें। डोंट गेट स्कैर्ड दिकरा, अपने गुनाहों का कन्फेशन जो ऊपर वाले के सामने करता है, खुदा उसे फॉरगिव कर देता है। जिस कंपनी में नवरोज मैडम काम करते थे, मैं वहाँ एक क्लर्क था, लेकिन नवरोज मैडम कभी छोटे बड़े में भेद नहीं करती थी सर, वो तो बहुत ही हेल्पफुल लेडी थी। नवरोज मैडम, आपसे एक पर्सनली हेल्प चाहिए था, प्लीज। आई नो तुम्हारा बहन का शादी है और कंपनी तुमको लोन नहीं दे रही, बट मैं कुछ करती हूँ तुम्हारे लिए पर्सनली, ओके? सर वो बिना बोले ही दूसरों की जरूरत समझ जाती थी, उन्हें कोई भी जरूरतमंद दिखता वो कैसे भी करके उसकी मदद करती। तो शायद नवरोज ने सूरज की भी मदद की होगी। इस आदमी का नाम सूरज है, जानते हो उसको? नहीं सर। शारदा जी, मैं जानती हूँ आपके पति के साथ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन अगर स्कूल वालों ने तान्या का नाम काट दिया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। आपने स्कूल की फीस नहीं भरी, लेकिन आप मेरी ट्यूशन फीस तो दे ही सकती हैं। लेकिन मैडम जी, अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपसे यूँ विनती क्यों करती? आप कह रही हैं आपके पास पैसे नहीं है, लेकिन आपके पति तो कुछ और ही कह रहे थे। 6 महीने से ना आपने मेरी ट्यूशन फीस दी है और ना ही आप स्कूल फीस पे कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चला ना तो स्कूल से उसका नाम कट जाएगा। नहीं नहीं, आप बस थोड़े दिन और संभाल लीजिए, 2-4 दिन में मेरे किसी से 40,000 रुपये आने वाले हैं। जैसे वो आएंगे मैं आपकी ट्यूशन फीस भी दे दूंगा और स्कूल की फीस भी। लेकिन मैडम जी, उन्होंने तो मुझे ये बात बताई ही नहीं कि कोई उन्हें 40,000 रुपए देने वाला था। मुझे लगता है शायद सूरज ने सेठ जी से 40,000 मांगे हो।
वैसे भी वो कभी भी उसको पूरी तनख्वाह नहीं देते थे। हो सकता है पैसे काट काट के उन्होंने सूरज के 40,000 अपने पास जमा कर लिए। अच्छा ठीक है, तुम उस पर नजर बनाए रखो। सर सर, सूरज पहले जिस दुकान पे नौकरी करता था उस दुकान पे अभी भी सूरज की बीवी गई और उसने दुकान के मालिक से काफी झगड़ा किया। तो वो दुकान के मालिक से 40,000 रुपये मांग रही थी और बोल रही थी कि दुकान के मालिक ने सूरज का मर्डर इसलिए कर दिया ताकि मालिक को सूरज को 40,000 रुपये लौटाने ना पड़े। लेकिन उसने हमें पहले ऐसा कुछ भी नहीं बताया, ये 40,000 का क्या चक्कर है? सर ये चक्कर तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हाँ सर, सूरज की बीवी कई लोगों से पूछताछ करके पता कर रही थी कि सूरज को 40,000 रुपये किससे लेने थे और दुकान के काम करने वाले एक लड़के ने उसे बताया और उसके बाद वो दुकान के मालिक से झगड़ा करने पहुंच गई। दुकान पे काम करने वाला वर्कर कौन है? सर इसका नाम गोविंद है और सूरज के घर पे काफी आना जाना था इसका। गोविंद? हेमंत, कहीं इस गोविंद और शारदा के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? नहीं सर, ऐसा कुछ लगता तो नहीं, लेकिन इस गोविंद ने पहले दुकान के मालिक के खिलाफ ही बोला था। दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला? नहीं सर, ना तो दुकान के मालिक के खिलाफ कुछ मिला, ना शारदा के और ना गोविंद के। हेमंत, ये 40,000 की कहानी और शारदा के अफेयर का एंगल सब कुछ अच्छे से पता करो। हो सकता है बोरिया नगर वाली कहानी भी झूठी हो, वहां सूरज ने किसी अनजान आदमी को नहीं बल्कि अपनी बीवी को उसके लवर के साथ देखा हो। हेमंत, शारदा और सूरज का पिछले 16 साल का इतिहास निकाल। ओके सर। पुलिस शारदा को अब भी शक की नजर से देख रही थी और इसके साथ साथ सूरज का मालिक, सूरज के साथ काम करने वाले गोविंद सब सूरज मर्डर केस के सस्पेक्ट नजर आ रहे थे और पुलिस ये भी मान रही थी कि 16 साल पहले नवरोज ईरानी को मारने वाला भी सूरज का हत्यारा हो सकता है। लेकिन इस बात में सच्चाई कितनी है कि कोई आदमी सूरज को 40,000 रुपए देने वाला था? सर हमने सूरज के जानने वाले लोगों से बात की, लेकिन पता नहीं चल पा रहा कि वाकई में सूरज को कोई 40,000 रुपए देने वाला था या नहीं। इस बारे में सूरज की बीवी क्या बोलती है? सर वो तो खुद मान रही है कि जिससे सूरज को 40,000 रुपए लेने थे उसी ने सूरज को मारा होगा और वो खुद लोगों से मिलकर ये पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर सूरज को 40,000 रुपए देने वाला कौन था। हेमंत, ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोगों को मिल मिलकर जानबूझ के ये भ्रम खड़ा कर रही है कि जिस किसी से सूरज ने 40,000 रुपए लेने थे उसी ने सूरज को मारा है, जबकि ना तो कोई 40,000 रुपए देने वाला है और ना ही कोई वो जिसके साथ उसने बोरिया नगर में सूरज को देखा था। सर इन फोटोग्राफ्स में कुल 30 लोग हैं जिनमें से 23 को आइडेंटिफाई करके हमने उनसे पूछताछ की, उनमें से कोई भी सूरज को नहीं जानता है और ना ही ऐसे डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं जिससे लगे कि नवरोज को मारने वाला ही सूरज का हत्यारा हो। जो नवरोज की हत्या के 16 साल बाद भी पकड़ा नहीं गया वो इतनी आसानी से हाथ नहीं आएगा। बाकी बचे 7 लोगों को भी आइडेंटिफाई करो, फिर देखते हैं इन दोनों केसेस का आपस में क्या कनेक्शन है। सर सर नवरोज की हत्या के 10 साल बाद साल 2010 में एक एक्स आर्मी मैन ने ठीक उसी तरह की गन से अपने कजन की हत्या की थी जिस तरह की गन से नवरोज और सूरज की हत्या हुई थी। सर इस एक्स आर्मी मैन का नाम जगदीश कुमार है और ये आजकल भोपाल जेल में बंद है। सर अगर मैं अपने चचेरे भाई को नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, मुझे उसे मारने का कोई अफसोस नहीं। देखिए हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आपने जिस गन से अपने भाई को मारा था वो गन ब्रिटिश काल की बनी हुई थी, आपको वो गन मिली कहां से? असलम ने दी थी वो गन मुझे। असलम? कहां मिलेगा ये असलम? मानता हूं कि जगदीश कुमार को वो गन मैंने ही दी थी, लेकिन अब तो मैं उसकी सजा भी काट चुका हूं। लेकिन 9 साल पहले तूने जो गन जगदीश कुमार को दी थी वो अब किसके हाथ लग गई जो एक और मर्डर हो गया? साहब वो गन मेरी नहीं थी, मैं तो एक मामूली सा देसी कट्टा सप्लाई करता था। साहब वो गन तो एहसान की थी। एहसान कौन? साहब मेरा दोस्त था, वो भी अवैध हथियार का धंधा करता था। साहब आज से 9 या 10 साल पहले बिहार पुलिस ने उसका लुकआउट नोटिस जारी कर दिया था। साहब उसने पूरा हथियार मेरे यहाँ छुपा दिया था। साहब उसमें से वो गन मैंने जगदीश कुमार को किराए पर दे दी थी। साहब जगदीश कुमार ने अपने भाई का मर्डर करने के बाद वो गन मुझे वापस कर दी थी। साहब कुछ दिन के बाद एहसान उस गन को वापस ले गया था। तो तू ये कहना चाहता है कि 16 साल पहले नवरोज और अब 16 साल बाद सूरज के मर्डर में जो गन इस्तेमाल हुई वो तूने नहीं एहसान ने सप्लाई की थी? 16 साल बाद? लेकिन साहब एहसान कैसे गन सप्लाई कर सकता है? क्यों, वो तो 6 साल पहले पुलिस इनकाउंटर मारा गया। सर इन तीनों में से ये एहसान है।
एक हिस्ट्री शीटर ने नवरोज की शोक सभा अटेंड की और उसके साथ वो आदमी खड़ा है जो नवरोज मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट है। विश्वास, कहीं ऐसा तो नहीं कि सारिस ने ही एहसान को नवरोज को मारने के लिए कहा हो? लेकिन सर, नवरोज के मर्डर के करीब 10 साल बाद एहसान एनकाउंटर में मारा गया था, तो फिर सूरज का मर्डर किसने किया और किस मकसद से? ये तो अब सारिस ही बताएगा। फिलहाल तुम उस पुलिस टीम से मिलो जिन्होंने एहसान का एनकाउंटर किया था। शायद उनसे हमें यह पता चले कि एहसान ने असलम से वो गन वापस लेने के बाद किसको दी थी जिससे सूरज को मारा गया था। सर, नवरोज ईरानी को जिस गन से मारा गया था वो इस आदमी की थी जो आपके साथ खड़ा है। हो सकता है आपके कहने पे ही नवरोज ईरानी को मारा गया हो। व्हाट? ये आदमी मेरे साथ खड़ा है तो आप कुछ भी बोलेंगे? हमें तो ये भी नहीं पता कि इसका नाम एहसान था। जैस्मिन ने इसका नाम फैज बताया था। फैज? सर, इन तीनों में से ये एहसान है। आप उसी जैस्मिन की बात कर रहे हैं ना जो नवरोज की मेड थी? यस, थी तो वो मेड, पर नवरोज ने उसको सर पे चढ़ा कर रखा था। मेरे गांव में ना लड़कियां जैसे ही 14 साल की होती हैं उनकी शादी कर देते हैं। आप तो 40 साल की है ना? नहीं, मेरा मतलब है आपने कभी नहीं सोचा कि शादी कर लेनी चाहिए थी आपको? मुझे तो कभी नहीं लगा, नहीं तो जरूर कर लेती। पर तेरी बातों से ऐसा लगता है कि तुझे अपनी शादी का बहुत चाव है। नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अनाथ हूँ ना, पर मेरे माँ बाप होते तो शायद। माँ बाप न थी तो शू थे यू? मेरी बेटी की तरह तू मेरी सेवा करती है, समझ ले मैं ही तेरी माँ हूँ। देखते ही देखते जैस्मिन ने नवरोज के दिल पे ऐसा जादू चलाया कि वो जैस्मिन को अपने बेटी की तरह रखने लगी। लेकिन हद तो तब हो गई जब जैस्मिन उस फैज को भी घर में ले आई। नवरोज, तेरे एब्सेंस में वो लड़का रोज इधर आता है, पता नहीं किस चोरू चक्के के साथ। ये फैज चोर नहीं है मैम। तो छे कौन ही छोकरो? तू क्या इस घर की मालकिन है जो नवरोज के एब्सेंस में किसी को भी घर में बुला लेगी? मत टिकरा, प्यार करती है उससे। जैस्मिन ने अपने झूठे आंसू दिखाकर नवरोज को इस तरह पागल बना दिया था कि नवरोज खुद जैस्मिन की और फैज के शादी के बारे में सोचने लगी थी। सर, जैस्मिन ने बताया था फैज जूते चप्पल बेचने का काम करता था, और अब आपसे पता चल रहा है कि उसका नाम एहसान था और वो एक क्रिमिनल था। आप मेरे बेटे पर शक कर रहे हैं, पर हम तो जैस्मिन पर शक पहले ही जता चुके थे। लेकिन नवरोज के मरने के बाद सबसे ज्यादा फायदा आपको पहुंचा, क्योंकि नवरोज की सारी प्रॉपर्टी आप लोगों की हो गई। सर, आपकी तरह ये गलतफहमी पहले भी पुलिस को हुई थी। बट आई रियली लव नवरोज आंटी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करती थी। वाओ, वेरी नाइस वॉच आंटी, आपने मुझे घड़ी गिफ्ट किया ना, अब देखना मेरा टाइम जरूर चेंज होगा, मेरी कंपनी का सारा लॉस कवर हो जाएगा। थैंक यू आंटी। सर, मैं नवरोज आंटी को सपने में भी मारने की नहीं सोच सकता, वो भी प्रॉपर्टी के लिए। नवरोज के प्रॉपर्टी के लीगल नॉमिनीज हम ही थे, पर उसे जैस्मिन की असलियत मालूम नहीं थी, इसीलिए उसने अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का नॉमिनी जैस्मिन को कर दिया। ये तो शुक्र है कि उसने कोई विल नहीं बनाई, नहीं तो उसमें भी जैस्मिन का नाम डाल देती। सर, एहसान का एनकाउंटर करने वाली बिहार पुलिस टीम से हमने बात की, लेकिन उनसे हमें एहसान की गन से रिलेटेड कोई क्लू नहीं मिला है। लेकिन उनका कहना है कि 6 साल पहले एहसान और उसके साथियों का एनकाउंटर करने के बाद एहसान की बीवी जैस्मिन ने ही एहसान की बॉडी के लिए क्लेम किया था, और तब वो प्रेग्नेंट थी। विश्वास, सारिस और नवरोज की बहन फिरोजा एहसान और जैस्मिन पर शक जता रहे हैं। अगर सारिस ने एहसान से नवरोज को मरवाया होगा तो इस बात के कितने चांसेस हैं कि एहसान के एनकाउंटर के बाद जैस्मिन ने सूरज को मरवाया हो? सर, सारिस ने पहले भी जैस्मिन को एक्यूज बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, तो हो सकता है कि वो अभी वही गेम खेल रहा हो। लेकिन जैस्मिन ने एहसान और फैज को अपना पति बना लिया था, तो हो सकता है कि अब जैस्मिन एहसान का गैर कानूनी धंधा संभाल रही हो। आजकल रहती कहाँ है जैस्मिन? सर, बिहार पुलिस ने पटना का एड्रेस दिया है, एहसान के एनकाउंटर तक वो पटना में किराए पर रह रही थी, पर एनकाउंटर से पहले एहसान का भी वहां आना जाना होता था। जैस्मिन यही रहती है? रहती है? अरे उसको तो मर के 4 साल हो गए। जैस्मिन मर चुकी है? उसका पति जुनेद जब मरा था तो वो पेट से थी, पति की मौत का सदमा नहीं बर्दाश्त कर सकी, वो भी मर गई बेचारी। क्या नाम बताया आपने उसके पति का? जुनेद। जुनेद?
यही जुनैद है? हाँ यही तो है जुनैद। सर ये बात तो साफ है, जैस्मिन नवरोज के इंश्योरेंस पॉलिसी की नॉमिनी थी, भले उसे इंश्योरेंस का पैसा ना मिला। सर ये भी तो हो सकता है कि जैस्मिन का जो पति था फैज उर्फ जुनैद उर्फ एहसान ने ही नवरोज का मर्डर करवाया हो, क्योंकि नवरोज का मर्डर जिस गन से हुआ था वह एहसान की थी और एहसान का तो खुद का एनकाउंटर हुआ है। फिर सूरज का मर्डर एहसान की गन से किसने और किस मोटिव से किया होगा? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सूरज का हत्यारा नवरोज के मर्डर से कोई ताल्लुक ही ना रखता हो? लेकिन वो एहसान की गन से तो ताल्लुक रखता होगा। जब नवरोज ईरानी को मारा गया था तो उसमें दो लोग शामिल थे, मान लो एक एहसान था, दूसरा कौन था? एहसान ने पहली बार अपनी गन असलम के पास छुपाई थी। सर हमने असलम को अच्छे से खंगाल लिया, उसके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है विश्वास कि असलम जैसा ही एहसान का कोई दूसरा साथी हो, क्योंकि जब एहसान का इनकाउंटर हुआ था उसके पास वो गन नहीं थी, हो सकता है उसने वो गन अपने किसी दूसरे साथी को दी हो। इस एहसान का पूरा क्रिमिनल बैकग्राउंड खंगालो, कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा जिसका सूरज के मर्डर से कोई कनेक्शन हो। सूरज की हत्या में एहसान की गन इस्तेमाल हुई थी, लेकिन एहसान के एनकाउंटर के बाद एहसान की वो गन किसके हाथ लगी थी, इसका पता लगाने के लिए पुलिस एहसान उर्फ फैज उर्फ जुनैद से जुड़ी हर इंफॉर्मेशन निकाल रही थी और जल्द ही कुछ नए समीकरण सामने आए। सर एहसान के साथ जो दो क्रिमिनल्स एनकाउंटर में मारे गए थे वो ब्रिजेश और रामाधीर थे। ब्रिजेश और रामाधीर वांटेड क्रिमिनल शेखुद्दीन के लिए काम करते थे और एहसान शेखुद्दीन को गैर कानूनी हथियार सप्लाई करता था। सर यही शेखुद्दीन उर्फ शेखू कई दिनों से अंडरग्राउंड है। अगर एहसान इस शेखू को इल्लीगल आर्म सप्लाई करता था तो हो सकता है एहसान ने वो गन शेखू को दी हो जिससे सूरज की हत्या हुई थी। ये जहाँ कहीं भी अंडरग्राउंड है, अपने खबरियों से कहो उसे खोद के निकाले, क्योंकि अब ये शेखू ही बताएगा कि सूरज की हत्या का 16 साल पहले हुई नवरोज की हत्या से क्या कनेक्शन है। शेखू का पता लगाने के लिए पुलिस ने बिहार से लेकर वेस्ट बंगाल तक अपना खबरी नेटवर्क एक्टिव कर दिया। नवरोज और सूरज मर्डर से जुड़े सभी लोगों से पुलिस शेखू तक पहुंचने का तार ढूंढ रही थी और 41 दिन बाद पुलिस को शेखुद्दीन और शेखू के पटना में छिपे होने की इंफॉर्मेशन मिली। बोल, तूने मारा ना सूरज को? हाँ सब, मैंने मारा सूरज को। क्यों मारा था? सब मुझे अहमद भाई ने बोला। अहमद कौन? ऐसा नहीं है अहमद, एनकाउंटर में ऐसा नहीं, हमारा दूसरा साथी जमील मारा गया। तो फिर एहसान की बीवी जैस्मिन ने उस बॉडी को एहसान की बॉडी मानकर आइडेंटिफाई क्यों किया था? साहब, जैस्मिन को मैंने बोला था कि जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही था। तो जैस्मिन ने नवरोज की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लेम करने के लिए तुझसे बोल के नवरोज को मरवाया? नहीं साहब, जैस्मिन को इस बारे में कुछ नहीं पता था। जैस्मिन को मैंने झूठ बोला था कि साइरस मुझे नवरोज मर्डर केस में फंसवा सकता है, तो इसलिए जमील की बॉडी को आइडेंटिफाई करके बोल दे कि वो मैं ही हूँ। साहब जैस्मिन को तो ये भी नहीं पता था कि नवरोज को मैंने मरवाया था। सब एहसान के कहने पे मैंने ही नवरोज को मारा था। तेरे साथ एक और भी तो था, वो कौन था? वो सूरज था साहब। सूरज? शेखू मेरे गाँव का था, वही सूरज को अपने साथ लाया था, बोला था जरूरतमंद है, पैसे के लिए कुछ भी करेगा। मैंने दोनों को उस मर्डर के लिए 50,000 रुपये देने का कहा था। अरे ये तो 10,000 है। एहसान ने सूरज को सिर्फ 10,000 दिया था। सूरज इस बात से दुखी था ही था, लेकिन उससे ज्यादा उसे नवरोज के मर्डर का पछतावा हो रहा था। उसका दिल कांप गया था उस मर्डर के बाद, बोला आगे कभी गलत काम नहीं करेगा। लेकिन 2.5 महीने पहले सूरज ने मुझे बोरिया नगर में देख लिया था। ये पकड़ो, मैं आ रहा हूँ, एक मिनट। सूरज, उस दिन के बाद से वो मुझे ब्लैकमेल करने लगा, कहने लगा कि उसके पास कुछ सबूत है कि मैंने ही नवरोज को मरवाया है। कैसा सबूत? सब वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कह रहा था कि जिस लिफाफे में मैंने उसे 10,000 दिए थे उसमें गलती से मैंने कुछ ऐसा छोड़ दिया कि वो मुझ पे भारी पड़ सकता है। और उस दिन के बाद मैंने उसे ख़त्म करने का सोच लिया था। हेलो, शेखू,
ए सूरज। सर एहसान ने बोला था कि उसने सूरज को इसी एनवलप में 10,000 रुपए दिए थे और इसी एनवलप में हमें ये नेगेटिव्स मिले और शायद इन्हीं नेगेटिव्स को सबूत बताकर सूरज एहसान को 40,000 रुपए के लिए ब्लैकमेल कर रहा था और इन्हीं नेगेटिव्स की मदद से हमने 16 साल पुराना नवरोज मर्डर केस भी क्रैक कर लिया। सूरज ने नवरोज की हत्या के बाद अपराध को अलविदा कहने का निश्चय तो कर लिया था लेकिन जब उसकी जरूरतों ने उसे 16 साल बाद उस मर्डर कॉन्ट्रैक्ट के बाकी बचे 40,000 रुपए वसूलने की मृग तृष्णा दी तो बदले में उसे सिर्फ मौत मिली। माना सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते लेकिन इरादा कमजोर हो और इंसान इम्तिहान देने से डरता हो तो उसका किया उसे कभी नहीं बख्शता और हमारा किया हमारे अपनों को भी भुगतना पड़ता है। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।